हाय, हेलो हेलो बच्चों। आज मैं फिर आप लोग के सामने मैं आया हूँ कुनास हॉरिजन की तरफ से। आप लोग को क्लास 8 के मैं चैप्टर 3 के बारे में, एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3 के बारे में कुछ बताने के लिए। लेकिन उससे पहले फिर से मैं कहूँगा कि सब कोई सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, कुनास हॉरिजन को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरी तरह से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा देखेंगे, और पूरा देखने के बाद अपना व्यूज में टैप करेंगे। साथ में जितने दोस्तों हैं, साथ में आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, सबको ये वाला वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो मैक्सिमम जितना शेयर होगा वीडियो का क्वालिटी, वीडियो का एनकरेजमेंट एंड उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और साथ ही साथ वीडियो वायरल होने पर वीडियो अच्छी तरह से और भी अच्छी तरह से कमेंट्स आएंगे। जितने ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, और वो कमेंट्स के हिसाब से मैं अपना वीडियोस अपना आपके सामने में पेश करूँगा। तो इसलिए अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 ये चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 8। चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 3। चैप्टर 3, चैप्टर 3 में है हम लोग का क्या, क्वाड्रिलेटरियल्स। क्वाड्रिलेटरियल्स, क्वाड्रिलेटरियल्स किसको बोलते हैं ये वाला पहले हम लोग देखेंगे। क्वाड्रिलेटरियल्स, क्वाड्रिलेटरियल्स, क्वाड्रिलेटरियल कोई भी फिगर जब चार साइड से बाउंड होता है उसको क्वाड्रिलेटरियल कहा जाता है। कोई भी फिगर, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइंस, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स इज नोन एज ए क्वाड्रिलेटरियल। क्वाड्रिलेटरियल चाहे वो किसी भी तरीके से चार साइड से बंद होना चाहिए, चार साइड से बंद होना चाहिए, चाहे वो फिगर ऐसे हो या फिर चाहे वो फिगर ऐसे हो या फिर वो फिगर ऐसे हो या फिर ये फिगर कुछ ऐसे हो, जो भी हो लेकिन चार साइड रहना चाहिए, चार साइड। दीज ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, ये चारों साइड का फिगर का चारों चार ठो साइड है, यानी कि हम जब पहले रिलीज किए थे ट्रायंगल का, उस टाइम में भी बोले थे कि उसमें 3 ठो साइड होता है, इसलिए उसका इंटीरियर एंगल 3 होता है। लेकिन इसमें चार साइड है, चार साइड होने पर इसका इंटीरियर एंगल 4 है। नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 4। और साथ में हम इसमें चार साइड है इसलिए सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ये क्वाड्रिलेटरल का मेन रूल, मेन रूल फोर साइड्स और उसका 4 ठो एंगल और 4 ठो साइड, और सम ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स भी इसमें कितना होता है, नंबर ऑफ साइड्स भी इसमें 4 होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स भी इसमें 4 होते हैं। तो लेकिन एक चीज याद रखना, अपोजिट साइड्स को जो लाइन इसमें ज्वाइंट करते हैं वो बोला है होता है डायगनल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, डायगनल। ये अपोजिट साइड को, अपोजिट साइड का मतलब अब एडजेसेंट में एक साइड को, जो एक वर्टेक्स को छोड़ के दूसरा वर्टेक्स अल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंगली अपोजिट होते हैं। अपोजिट साइड्स का मतलब ये एक तो फिगर है, ये एक तो क्वाड्रिलेटरल का फिगर है, ए बी सी डी, ए एंड बी आर एडजेसेंट वर्टेक्स,
A and B are adjacent vertex, but A and C are opposite vertex. A and C are opposite vertex. A and C are opposite vertex. B and D are opposite vertex. एक वर्टेक्स को छोड़कर दूसरा वर्टेक्स होता है उसका ए का ऑपोजिट, ए का बी छोड़कर सी को जॉइंट करेंगे ए सी को, तो उसको क्या कहा जाएगा, डायगोनल कहा जाएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होता है एक क्वाड्रिलेटरल में, नंबर ऑफ डायगोनल्स डायगोनल्स इसमें होता है दो, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होता है दो होता है, लेकिन हर एक चीज का अपना अपना, हर एक फिगर का अपना अपना डायगोनल प्रॉपर्टी होता है। ये वाला चीज अभी हम ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वीडियो में हम लोग ये वाला चीज डिस्कस करेंगे। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, इसलिए ये वाला चीज याद रखना, और साथ में याद रखो कि डायगोनल्स किसको कहा जाता है, डायगोनल्स ऑपोजिट साइड को जो लाइन जॉइंट करता है उसको डायगोनल कहा जाता है। एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं। अभी ये क्वाड्रिलेटरल्स बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और उनके प्रॉपर्टी भी अलग अलग होते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो नंबर वन डायगोनल क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले जो आता है नंबर वन है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर हम एक तो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला पैरेललोग्राम हुआ, ये वाला पैरेललोग्राम हुआ, क्या हुआ, ये वाला एक तो पैरेललोग्राम हुआ, पैरेललोग्राम, ये वाला एक तो पैरेललोग्राम हुआ, ए बी सी डी एक तो पैरेललोग्राम हुआ, ए बी सी और डी, ये एक तो पैरेललोग्राम हुआ। तो ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज नोन इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। ए क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल हु इन विच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, बोथ पेयर्स ऑफ pairs of opposite sides are parallel are known as parallelogram, पैरेललोग्राम। इसमें देखो आपका ऑपोजिट साइड्स, ये वाला पैरेललोग्राम का एरो मार्क देखे मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला पैरेललोग्राम है, ये दोनों एक पैरेलल है और इसमें भी ये दोनों पैरेलल है, लेकिन पैरेललोग्राम का अपना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टीज बोथ द पैरेलल बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ नंबर वन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बारे में लिख रहा हूं, प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर वन both sides of opposite sides are parallel, यह है आपका क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर थ्री बोथ जिसमें है क्वाड्रिलेटरल, हम बता रहे हैं अभी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज के बारे में, both pairs of opposite sides are equal, number two both pairs of
both pairs of opposite sides are equal. Both pairs of opposite angles are equal. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है. बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नंबर थ्री, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. Both pairs of opposite angles are equal. The diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other means ये वाला. तो यहाँ पर ये वाला is equal to ये वाला और ये वाला is equal to ये वाला. तो opposite bisect माने DO is equal to BO and AO is equal to OC. So both the diagonals bisect each other. Number four, the diagonals bisect each other. Each diagonal bisects the parallelogram. माने हर एक डायग्राम पैरेललोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. The each diagonal bisects the parallelogram. Each diagonal bisect the parallelogram. Bisect the parallelogram. Each diagonals bisect the parallelogram and the diagonals at the point O, the opposite angles are equal. Angle DOC is equal to angle AOB. Number two, DOA. Angle DOA is equal to angle COB. So these two angles are also equal. ये वाला एंगल देखो हम मार्क कर रहे हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. तो ये था पैरेललोग्राम के बारे में. उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे हम रेक्टेंगल के बारे में सोचने के लिए. नेक्स्ट में हम बता रहे हैं आप लोग को रेक्टेंगल के बारे में. रेक्टेंगल का मतलब है, ये भी एक तरह का एक तो क्वाड्रिलेटरल है. रेक्टेंगल मतलब ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन उसका भी अपना अपना प्रॉपर्टीज है. तो देखो रेक्टेंगल हम बना रहे हैं. रेक्टेंगल हम बना रहे हैं. तो ये एक तो रेक्टेंगल हुआ. तो ये इसमें क्या होता है, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल. ABCD ये एक तो रेक्टेंगल. इसका भी इसी तरह से इसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और इक्वल भी होते हैं. पैर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. और इसका भी इसी तरह से दो तो डायगोनल होते हैं. इसका भी दो तो
डायगोनल होते हैं इस टाइप से, तो ये हुआ आपका एक ठो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होने से ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। मगर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क सिर्फ यही है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, इसका उसका सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका चारों एंगल इक्वल है और चारों एंगल 90 डिग्री है। तो देखते हैं इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है। इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, सर? नंबर वन में है कि ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर राइट एंगल, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री और राइट एंगल, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर राइट एंगल। द नंबर टू, द ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये दोनों पेयर पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे, ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो आफ्टर दैट, उसके बाद हम लोग ये बोलेंगे कि डायगनल्स, नंबर थ्री, डायगनल्स और बोथ द डायगनल्स आर इक्वल, बोथ द डायगनल्स आर इक्वल, बोथ द डायगनल्स आर इक्वल। द डायगनल्स, नंबर फोर, द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नंबर फाइव में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर ये वाला पॉइंट ओ है तो डीओसी इज इक्वल टू एंगल एओबी एंड एंगल डीओए इज इक्वल टू एंगल सीओबी इज इक्वल टू एंगल सीओबी। ये था आपका रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल यहां पर एक चीज याद रखो सब कही कि रेक्टेंगल, ऑल द रेक्टेंगल्स आर पैरेलल, नोन एज यू कैन कॉल इट पैरेललोग्राम, बट ऑल द पैरेललोग्राम इज नेवर अ रेक्टेंगल, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल, द डिफरेंस बिटवीन द पैरेललोग्राम एंड अ रेक्टेंगल इज दैट द इंटीरियर एंगल्स ईच आर द इन अ पैरेललोग्राम द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, बट इन अ रेक्टेंगल ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क क्या है कि उसका ऑपोजिट, पैरेललोग्राम का सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में चारों एंगल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में चारों एंगल इक्वल होते हैं और उनका सब
द पैरेललोग्राम का भी सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री और इसका भी सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल इज आल्सो इज ऑलवेज 360 डिग्री इज ऑलवेज 360 डिग्री. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के बाद हम लोग आएंगे रॉम्बस के बारे में. रेक्टेंगल के बाद हम लोग आएंगे रॉम्बस के बारे में. देखो अभी हम अभी एक तो रॉम्बस का फिगर बना रहे हैं. रॉम्बस में क्या फर्क आता है. रॉम्बस तो रॉम्बस किसको बोलते हैं है? ये वाला एक तो फिगर बना रहे हैं ये है रॉम्बस. ये है एक रॉम्बस. ये है एक तो रॉम्बस. तो ए बी सी डी इज ए रॉम्बस. ए बी सी डी बी सी डी इज ए रॉम्बस. तो रॉम्बस किसको बोलते हैं. रॉम्बस एक तो पैरेललोग्राम है जिसका चारों साइड इक्वल होता है और चारों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है. ए बी सी डी इज ए रॉम्बस इज ए रॉम्बस. ए बी सी डी इज ए रॉम्बस. तो रॉम्बस किसको कहा जाता है. नंबर वन एंड इसका प्रॉपर्टीज के बारे में अगर सोचेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है रॉम्बस का. पहला प्रॉपर्टीज जो है रॉम्बस का यही है कि ऑल द साइड्स आर ऑल द पैर साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. ऑल द साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ऑल द साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. ऑपोजिट साइड्स नंबर वन द ऑपोजिट पेयर्स opposite pairs of the pairs of sides are parallel opposite sides are parallel. ये दोनों parallel है. ये दोनों भी parallel है. opposite sides are parallel. all the sides number two all the sides are equal. All the sides are equal. Opposite angles are equal. Opposite angles मतलब ये वाला और ये वाला और इसमें ये वाला और ये वाला. ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. नेक्स्ट में दो तो डायगोनल इक्वल होते हैं. द डायगोनल्स ऑफ ए रॉम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. रॉम्बस का डायगोनल दो तो आपका इक्वल होता है. नंबर फोर बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल. बोथ द डायगोनल्स are equal. Number five, the diagonals bisect each other. The diagonals bisect each other. Number four, six, diagonals bisect each other. मतलब ये वाला AO is equal to OC and DO is equal to OB. Diagonals equal. इसका मतलब BD is equal to AC. मतलब number six में the diagonals intersect each other. Diagonals
intersect each other at 90 degree, diagonals एक दूसरे को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये चारों एंगल 90 डिग्री है। इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे और दो तीन तरह का क्वाड्रिलेटरल सबको इस ये कोर्स ये वीडियो को पूरी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखिए, उसको व्यू कीजिए पूरा तरह से, देखिए समझ पाएंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में हर एक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज के बारे में ये वीडियो में हमने बताया है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका कमेंट के हिसाब से मैं अपना वीडियोस उसी तरह से इम्प्रूवाइज करूंगा। और इसके साथ मैं आपको कहूंगा कि ये जितना हो सकेगा शेयर कीजिए, और ग्रुप में जितना शेयर करेंगे उतना वीडियो का क्वालिटी और भी बढ़ेगा, ये हमको एनकरेज करेगा कि आप लोग मेरे को रिएक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली रिएक्ट कर रहे हैं। और साथ में अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि कुनास हॉरिजन एंड एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारा चीज को देखिए, ये सारे चीज आपके जरूरत के मुताबिक छोड़ा गया है, और इसको देखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ गेन करेंगे, कभी भी लॉस नहीं करेंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। तो दूसरे वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में बहुत जल्द हम क्वाड्रिलेटर्स का दूसरा वैरायटी, दूसरा क्वाड्रिलेटर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो नो वेट फॉर दैट वन।